सर्वप्रथम तथागत सम्यक संबुद्ध और बोधिसत्व भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब आम्बेडकर जी को मेरा त्रिवार वंदन है और उपस्थित सभी माननीय मेरे भाई और बंधु माताएं और बहनें और मेरे सभी बच्चे, इनको मैं बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देती हूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज ही के दिन में भगवान बुद्ध को बुद्धगया में बोधि लाभ हुआ था और आज ही के दिन में भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ और आज के ही दिन में भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण भी हुआ, महापरिनिर्वाण। तो ये बहुत ही संयोग की बात कही जा सकती है कि आज ही के दिन में ऐसी तीनों चीज़ें ऐसी एक साथ कैसे हो गई, ये भी एक सोचने वाली बात है। और ये भगवान बुद्ध का धम्म हमको मिला है, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमको भगवान बुद्ध का धम्म मिला है और इतना अच्छा धम्म है जिसके अंदर करुणा है, मैत्री है, कल्याण की भावना है सभी प्राणियों के लिए, सभी जनों के लिए। और ये धम्म ऐसा है, ये पूरा निसर्ग के ऊपर डिपेंड है। ब्रह्मांड के जो नियम है वही भगवान बुद्ध के नियम है। भगवान बुद्ध के अपने कोई भी मतलब ब्रह्मांड से अलग कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। जो भी ब्रह्मांड के नियम है, नेचर के जो नियम है, उसी से भगवान बुद्ध के सिद्धांत लागू होते हैं। और ऐसे विद्वान बाबा साहेब, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब जी ने बहुत सारे धर्म की पढ़ाई करी और उसके बाद में उन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद में उन्होंने ये सोचा कि सर्वश्रेष्ठ हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के कल्याण के लिए, हमारे समाज के उन्नति के लिए क्या अच्छा धर्म हो सकता है, वो उन्होंने सोचा और हमको बुद्ध धर्म का दीक्षा दी है। 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में भगवान बुद्ध बाबा साहेब ने धर्म की दीक्षा दी है, तब हमारा सभी लोगों का पुनर्जन्म हुआ है ऐसा मानते हैं। हमारा दोबारा पुनर्जन्म हुआ है, हमको इतना अच्छा मार्ग मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहेब इतने विद्वान थे तो क्यों ना हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले, ना कुछ सोचे समझे, ना अपनी अकल लगाए, बुद्धि लगाए, जो भी मार्ग दिया है, जो भी मार्ग दिया, खास करके भगवान बुद्ध का जो मार्ग दिया है वो अपनाने में हमको कहीं भी संकोच नहीं होना चाहिए। बाबा साहेब ने ये जो भगवान बुद्ध का जो धर्म दिया है वो बहुत ही अनमोल है, जिसके अंदर हमको कोई भी, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बुद्ध का जो धर्म है उसके अंदर महिलाओं को जो अधिकार है, ऐसे अधिकार किसी भी धर्म में आपको नहीं मिलेंगे। महिलाओं के लिए खास करके जो अधिकार है, जो समानता है, वो बंधुत्व है, जो न्याय की बात है, वो केवल भगवान बुद्ध के धर्म में ही है। और बहुत ही महिलाओं को तो खास करके बुद्ध धर्म के रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि बाकी धर्मों में आपकी क्या स्थिति है और क्या स्थिति हमारी थी पहले, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। महिलाओं की कोई अच्छी स्थिति नहीं थी, उनको तो केवल पैर की जूती समझा जाता था। पर हमारे धन्य हो हमारे बाबा साहेब जिन्होंने भगवान बुद्ध का धर्म दिया और साथ में संविधान भी दिया, और संविधान के माध्यम से हमको महिलाओं को खास करके पूरे अधिकार दिए। पुरुषों से भी ज़्यादा हमको महिलाओं के पास में अधिकार है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी और आपके सभी लोगों की स्वास्थ्य के और कल्याण की और उन्नति की मैं कामना करती हूँ और इसके साथ में अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू।